हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी अलर्ट। तो आज मैं कोजी केयर स्किन वाइटनिंग सीरम का रिव्यू करूंगी। इससे पहले मैंने कोजी केयर की वाइटनिंग सोप का रिव्यू किया है, उसकी क्रीम का रिव्यू किया है, यहां तक मैंने कोजी केयर के फेयरनेस ऑयल का भी रिव्यू किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो के एंड में आई बटन पर दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम इस सीरम की बात करें तो सबसे पहले इसके प्राइस की बात करते हैं। तो इसका प्राइस है 650। अगर आप मेडिकल स्टोर से लेते हैं, वैसे तो मिलना मुश्किल है, ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे, किसी बड़े मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है। फिलहाल मैंने इसे ऑनलाइन लिया है, तो अगर किसी को नहीं मिलता है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये आपको पड़ेगा 613 का। वैसे इसका MRP है 650। अगर हम इसकी पैकिंग देखते हैं तो देखिए इस तरह की पैकिंग में आता है। इसमें सिर्फ ड्रॉपर होता है, अलग से कोई भी इसमें कुछ भी सेफ्टी नहीं दी गई है, तो आप थोड़ा सा केयरफुली रहना। और ये इस तरह से आएगा, पैकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है जैसे कि और सीरम होते हैं। यहाँ से आपको इसे ओपन करना पड़ेगा, इस तरह से आपका प्रोडक्ट आएगा। और जैसे कि जैसे आप ड्रॉपर जब यूज़ करेंगे ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने ये चीज़ जो विगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम अगर सीरम अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बता रही हूँ मैं। ये थोड़ा सा टाइट खुलता है और इस तरह से आपका प्रोडक्ट आएगा। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो जैसे रोज़ वाटर होता है, सेम वैसा ही है, कोई भी ऑयल नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली है ही नहीं ये। अगर आप 3-4 लेयर अगर लगाते हैं इसके ऊपर से तो ये थोड़ा सा स्टिकी हो सकता है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी बिल्कुल। मतलब फॉर्मूला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है इसका। और जैसे ये है ना, यहाँ पर आपको जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, तो यहाँ पे ये आपको इसे नीचे को प्रेस करना पड़ेगा, तो ये नीचे को आएगा तब ये आपका ये ड्रॉपर अच्छे से काम करेगा। पहले मतलब 3-4 दिन तो मुझे ऐसे ही हो गया, मैं ऐसे ही ड्रॉपर कर रही थी, मैंने कहा यार इसका ड्रॉपर अच्छा नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा इसको यूं किया, फिर इसको थोड़ा सा नीचे को लेके आई, फिर ये ड्रॉपर इसने काम किया, बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। फिर तो इस तरह से अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ना, मुझे लगता है कि आज तक कितने भी सीरम होंगे उसमें मतलब कोजिक एसिड भी है, आर्बुटिन भी है, ग्लूटाथायोन भी, अगर किसी में होंगे भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स तो रिजल्ट इसकी तरह नहीं होंगे। इसके रिजल्ट इतने विजुअल हैं ना, इतने प्यारे रिजल्ट हैं, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती। आज तक का मेरे यूट्यूब में ये पहला प्रोडक्ट ऐसा है जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इस प्रोडक्ट को कि सब लोग लें, इसको एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहीं से ट्राई करना इसको, वहीं से बाय करना, ताकि जो प्रोडक्ट मुझे मिला है वही सेम सेलर आपको वही प्रोडक्ट लाके दे। मैं इसे अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। इसके मैं दो पार्ट में वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि आप यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट भी दिखा देती हूँ। देखिए मैं इतना सारा यूज कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इसके दो वीडियोस और डालूंगी मैं, इसको और ज़्यादा इफेक्टिव आप किस तरह से बना सकते हैं, और भी ज़्यादा इफेक्टिव सीरम। और इसका जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें बताऊंगी कि आप इसी से क्रीम कैसे बना सकते हैं। कई लोगों को सीरम पसंद नहीं होगा, तो उनके लिए कि आप इसको क्रीम फॉर्म में किस तरह से बना सकते हैं जो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इस तरह से आपको लगाना है, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत जल्द होता है। इसके ऊपर से आप कोई क्रीम लगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात, जो लड़कियां हैं स्पेशली, तो फाउंडेशन या बेबी क्रीम लगाती हैं, तो उसके ऊपर से इजीली लगा सकती हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। ये सारे तरीके मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इसलिए आप मैंने आपको प्रोडक्ट भी शो किया है कि देखिए मैंने कितना सारा प्रोडक्ट इसे मैंने यूज़ कर लिया है। तो मैंने सारे तरीके इसके अपना लिए हैं, इसका इसमें मैंने कुछ और ऐड करके इसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया है, जैसे कि आप इस सीरम को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। इस सीरम की क्रीम भी बताइए, जो सीरम मैंने बताया है उसे आप सिर्फ डे टाइम में लगा सकते हैं, नाइट में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो इसकी क्रीम है उसको आप डे टाइम नहीं लगा सकते हैं, जो क्रीम मैं बनाने वाली हूँ इसकी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। देखिए आप देखेंगे ये पूरी तरीके से तो अब्जॉर्ब नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक हो गया है।
मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ ये हर किसी को पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा सीरम है। आज तक अगर आपने कोई भी सीरम ट्राई नहीं किया है ना, ये मेरा यूट्यूब में आपने देखा होगा, इतने सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई भी जैसे इस तरह का कोजी केयर का जो सीरम हो गया, ठीक है, इस तरह के वीडियो नहीं डाले। एक सीरम का वीडियो डाला है मैंने, विटामिन सी का, एक विटामिन सी पे ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल ड्रॉपर का यूज़ जो हुआ है वो जैसे विगनर्स हैं, ये बहुत पहले ले लिया था मैंने, विटामिन सी तो मैंने बाद में ट्राई किया, तो काफ़ी आप देख सकते हैं इसको कई तरीके से भी मैंने यूज़ किया है। चलिए अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी कि सभी लोग इस सीरम को ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि मैं इसे दोबारा लूँगी, तो मैं इसे दोबारा नहीं लूँगी, मैं इसे तिवारा चौवारा जितना मन चाहेगा मेरा उतना इतने बार मैं सीरम को दोबारा से लूँगी, क्योंकि इसके रिजल्ट जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। क्या क्या किया इसने, देखिए मेरे नोज़ पे से पिगमेंटेशन मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, एक्ने के प्रॉब्लम नहीं है। इस सीरम से क्या हुआ ना कि इसे मैंने सुबह भी लगाया, और मैं एक दिन में 3 टाइम यूज़ करती थी, रात में भी लगाती थी मैं इसको, दिन में भी लगाती थी, सुबह भी लगाती थी। 3 टाइम आपको इसे लगाना है, ठीक है। और इसके बाद जो क्या आपको जैसे डे टाइम लगा रहे हो तो उसके ऊपर से मैं कहूँगी आप सनस्क्रीन लगाएं। मैं इसके साथ सनस्क्रीन जो अप्लाई करी थी वो लगा रही थी मैं लैक्मी की। और इससे क्या होगा कि जो अगर आपके हल्के फुल्के जो पिगमेंटेशन है, कहीं पे थोड़े से डार्क स्पॉट हैं, वो सब सारे हाइड होने वाले हैं इससे। बिना स्किन को पील ऑफ किए ये इतना अच्छा काम करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपका स्किन टोन है वो अनइवन है, कहीं पे थोड़ा सा काला है या कहीं थोड़ा सा गोरा है, या कोई भी आपके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम है ना, सारी सॉल्व होने वाली है। बस ये है कि एक्ने पे काम ये नहीं करेगा। आपके फेस पे अगर एक्ने हैं तो ये मैं इसकी गारंटी नहीं दे रही हूँ कि ये एक्ने वाले स्किन पे काम करेगा। हाँ, लेकिन ये स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा है, डार्क स्पॉट के लिए बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे इसके रिजल्ट देखेंगे आपके आपके जो डार्क स्पॉट हैं वो धीरे धीरे लाइट होते जाएंगे। पिगमेंटेशन है, देखिए पिगमेंटेशन क्या होता है कि स्किन के अंदर से होती है, ठीक है, आपकी स्किन से अंदर से निकलती है वो एकदम से काली काली सी स्पॉट से, डार्क डार्क स्पॉट नहीं, उन्हें आप धब्बे बोल सकते हैं। अगर उस तरह की प्रॉब्लम है तो देखिए तो टाइम लगेगा, लेकिन ये पिगमेंटेशन में भी वही वर्क करेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये काम नहीं करेगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सिर्फ एक्ने वाले स्किन को छोड़ के सब में ये काम करेगी। मुझे लगता है कि मेरी ये वीडियो मेरे यूट्यूब में सबसे लंबी वीडियो है। आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर 2-3 मिनट की ही वीडियो बनाती हूँ, फिर इसमें क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना था मुझे, मैं चाहती हूँ कि इससे ये हर इंसान के पास ये पहुँचे, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आपने देखा होगा कि कोजी केयर की मैं हमेशा बुराई करती थी, ठीक है, क्योंकि इसके रिजल्ट नहीं दिखते मुझे, मतलब इसके रिजल्ट इतने अच्छे दिखे हैं, मतलब इस सीरम ने ना सारे जो भी कमी थी अपनी सारी पूरी कर ली है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें, आप इस सीरम को ट्राई करें, ट्राई करने के बाद आप वापस मेरे चैनल पर आएँ, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ें।